सानवीरो, हम अपनी भारत यात्रा के दौरान गुजरात में पहुंचे राजकोट के जसदन में। यहाँ के चाफ कटर काफी मशहूर है, तो मैं आज आपको ऐसी कमाल की तकनीक के चाफ कटर दिखाऊंगा जिसमें आप चारा, दाना, आटा, साइलेज, लगभग एक चाफ कटर से आप इतने काम कर सकते हो। मैं भी काफी प्रसन्न हुआ इनके चाफ कटर देख के। मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। जो दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी भी जरूर दबाएं। मैं आपको इनके लगभग तीन प्रकार के चाफ कटर हैं जो छोटे रूप में ये बनाते हैं। तीनों के पूरे फीचर और इन पे सब्सिडी, प्राइस, लगभग सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इस वीडियो से। तो सर नमस्कार, मजे में थे? एकदम मजा में। अच्छा बढ़िया, आप अपना मशीन के बारे में पूरी डिटेल में बताओ और पहले अपने बारे में आप हमें बताएं। मेरा नाम भाविन है जी, और ये कंपनी पे अभी तीसरी पीढ़ी है मेरी। तीसरी पीढ़ी आप चाप कटर बनाने पे लगे हो? चाप कटर है, ट्रैक्टर के पीछे अटैच होने वाले सभी टाइप के इक्विपमेंट, प्लाव, कल्टीवेटर, वो सबका भी है, और थ्रेशर भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जी जी जी, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप इसके बारे में बताएं, इस कमाल की मशीन के बारे में आप हमें बताएं। ये मॉडल का नाम है JB 100, बरोबर है? ये सभी कॉम्पैक्ट छोटे ही मॉडल है, अभी छोटे मॉडल, सबसे छोटा ये मॉडल है। जी जी, ये ड्यूरेबल है, मल्टीपर्पज मशीन है पूरा। जी जी, एक साथ में कई काम कर देता है। जी जी, बरोबर है? पहले तो ये सूखा, गीला, गन्ना सब काटेगा, चारा यानी कि सभी प्रकार का चारा इसमें काटा जा सकता है। बिल्कुल, और छोटी टाइप की लकड़ी है, बरोबर है, 1.5 इंच की, तो वो भी कट कर देगा ये। जी जी, और एग्रीकल्चर वेस्ट अगर है कुछ छोटा सा, जी जी, तो वो भी कर देगा ये। ये कितने एचपी में आता है? ये 2 HP में अवेलेबल रहता है, और इससे यहाँ से चारा काटा जाएगा और यहाँ से इसमें से आटा, दाना, दलिया सब इसमें से निकाल सकते हैं। कोई भी प्रकार का आपको वो गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बरोबर, कोई भी प्रकार का अनाज हो, इससे आप उसको दाना भी कर सकते हैं। जी, और ये जो अगर छोटा सा आटा करना है, बहुत ये इतना इतना, इतना कमाल का आइडिया आपको आया कहाँ से? ये सर मेरे फादर है जी, वो टेक्नोलॉजी में आगे काम करते हैं बहुत। जी जी, बरोबर है? ये सभी जो मशीन है ना, वो इन हाउस प्रोडक्शन है। जी जी, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को पूरा सपोर्ट करते हैं हम लोग। जी बरोबर, आप कोई प्रोडक्ट चाइना से कहीं से कोई कुछ आता ही नहीं, सभी जो रहता और है। सर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ आपके, ये क्या है सर? ये सीव्स है, जाली बोलते हैं इसको। जी जी, सीव्स। जी जी, यानी कि इसमें आटा बनाना है जो भी प्रकार का। जी जी, बरोबर, इसको कस्टमर अपने हिसाब से यूज कर सकता है, आटे के लिए, दाने के लिए, दलिया के लिए, अलग अलग प्रकार की जाली है। और सर सेफ्टी फीचर क्या क्या देते हो आप इसमें? ये सेफ्टी फीचर पूरे मॉडर्न टाइप का मशीन है। जी जी, इसमें हाथ नहीं जा सकता, बिल्कुल हाथ नहीं इसमें जा सकता, तो जाता ही नहीं है। जी जी, यानी कि रिस्क नहीं है फार्मर, एक्सीडेंट होने की कोई आवश्यकता, गुंजाइश है ही नहीं इसमें। सर इसमें तो ऐसा भी हो सकता है किसान इसमें अपना चारा काट के उसी में दाना बना के उसको कहीं आटा चक्की में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो जो एक घंटे इसकी प्रोडक्शन कितनी है सर? ये जो चारे की प्रोडक्शन इसकी मिनिमम 800 KG पर आवर है। 800 KG पर आवर, 2 HP की मोटर, 2 HP की मोटर के साथ आता है। और बहुत कमाल की इधर भी मशीनें हैं। आप वीडियो को अभी, अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, और मैं आपको और भी मशीनें दिखाना चाहूंगा। तो सर इन मशीनों के बारे में बताएं, दो मॉडल भी मैं बहुत कमाल के देख पा रहा हूँ। ये भी 2 HP से चलने वाला है। जी जी, बरोबर, ये पूरा कॉम्पैक्ट ड्यूरेबल मॉडल है पूरा। जी, ये घर की लाइट से, सभी मॉडल घर की लाइट से चल सकते हैं आराम से, इसको ज्यादा बिजली की जरूरत है नहीं। जी जी, और पावर सेविंग है पूरा। जी जी, बरोबर है? जी, इसको हॉरिजॉन्टल मॉडल बोलते हैं। और इसमें टायर भी आपने लगाए गए हैं? टायर भी है, कहीं आगे पीछे करना है जी, किसान वीर अपने हिसाब से उसको आगे पीछे कर सकता है, आगे पीछे आराम से एडजस्ट किया जा सकता है। और इधर मैं देख पा रहा हूँ मॉडल सेम है, लेकिन इसमें भी आपने आटा चक्की, दाना, दलिया इसके लिए यह जुगाड़ किया, तैयार किया। मॉडल सेम ही है, बरोबर है? जी, पर इसमें किसान वीर अपने हिसाब से कोई भी मसाला पीसना है, मसाला भी पीस सकते हैं, मसाला भी पीस सकते हैं। जी, और कोई घर के लिए आटा करना है। जी जी, तो घर के लिए आटा भी कर सकते हैं इसमें। जी, ये तो बड़ी कमाल की चीज है सर। इसकी कैपेसिटी कितनी है सर? ये 1 घंटे में 600 से 800 किलो का चारा करेगा। जी जी, बरोबर है? और जो दलिया तो जाली के ऊपर डिपेंड रहता है, जाली बारीक करना है किसान वीर को। जी जी, वो जाली के हिसाब से रहेगा। हाँ। और सर, तो किसान भाइयों, मैं आपको इनके दो प्रोडक्ट जो कि थोड़े से मीडियम लेवल के आ जाते हैं, बड़े लेवल के आ जाते हैं, ये मशीन दिखाना चाहूंगा। तो सर इनके बारे में आप हमें बताएं, इस दो मॉडल्स के बारे में आप हमें बताएं। ये जो पीछे दिखा है आपको, बरोबर है, वो
10 से 15 पशु है उसके लिए यूज कर सकता है किसान जी। और ये उससे ज्यादा हेवी आ जाता है, बड़ा आ जाता है जी। तो ये 25 से 50 एनिमल है उसके लिए ये सब सही रहता है जी। इसमें 3 ब्लेड आता है मेनली, 3 ब्लेड का मशीन है जी, बरोबर है जी। फिर ये 2 टाइप में अवेलेबल है जी जी। एक तो मोटर के ऊपर 3 एचपी से चलने वाला है जी जी, बरोबर है। डीजल इंजन के ऊपर भी चलने वाला है, डीजल इंजन और मोटर बिजली पर दोनों पे हम इसको चला सकते, दोनों पे चला सकते। तो सर आप इसमें कौन से सेफ्टी फीचर अवेलेबल कराते हो? एक तो जो इसका इनपुट ऊपर रहेगा चारे का जी, इसमें हाथ तो जा ही नहीं सकता जी, क्योंकि इधर से ही छोड़ना है तो ऑटोमेटिक खींच लेगा, क्योंकि रिवर्स फॉरवर्ड गियर बॉक्स लगा हुआ है, रिवर्स भी हो जाता है, रिवर्स फॉरवर्ड दोनों गियर, दोनों गियर, और बीच में रखो तो फ्री भी हो जाए जी जी। और आउटपुट ऑप्शन 2 दे रखे जी जी, एक तो ऊपर से भी गिरेगा और नीचे से भी गिरेगा, दोनों साइड से गिरेगा जी। तो सर मेरा सबसे बड़ा जो सवाल रहेगा आपके लिए, चाफ कटर तो आजकल बहुत हर शहर में लगभग लोग बनाते हैं, तो आपके चाफ कटर में क्या खासियत है, क्यों किसान इसको खरीदे? पहले तो ये लाइन में अपने हमारे को एक्सपीरियंस इतना है, बरोबर है जी, पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते आ रहे हैं जी जी। अभी ये बड़े लेवल पे हो रहा है जी, अभी पूरे इंडिया में हमारे डीलर भी अवेलेबल जी, जी। कहीं से भी कस्टमर इसको प्रोवाइड करा हर राज्य में आपके डीलर हैं? हाँ, हर राज्य में लगभग हमारे डीलर है, बरोबर है। तो सर, और क्वालिटी की कितनी गारंटी आप देते हो? अभी तक सब जो चाप कटर है ना वो देसी तरीके का चल रहा है जी, पर अपना चाप कटर है वो 5 mm की हेवी बॉडी से बना है जी जी, पत्रे का यूज बहुत कम है। एक बात मुझे और बताएं, चाप कटर में समस्या आती है ब्लेड चेंज करने की? नहीं, इसमें ब्लेड कितने समय में चेंज करना? ये हम लोग जो ब्लेड प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को वो हाई कार्बन स्टील का ब्लेड है, बरोबर है जी। ब्लेड बार बार बदलने की अभी कस्टमर की दिक्कत है सभी मशीन में, पर अपना मशीन जो यूज किसी में ब्लेड चेंज करने की किसी में ब्लेड चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप वारंटी कितनी देते हो? वारंटी 1 साल की रहती है, 1 साल की वारंटी रहती है। अगर मान के चलो किसी के पास खराब हो गया, उसको स्पेयर पार्ट मिल जाएगा ऑल ओवर इंडिया? उसको ऑल ओवर इंडिया में 4th या 3rd दिन उसको स्पेयर पार्ट बाय कुरियर अवेलेबल हो जाता है जी। अगर वहाँ पे हमारा डीलर है जी, वो एरिया में जी, तो डीलर का एक बंदा रहता है जी, वो उधर जाके सब देख के अच्छा करके देता है। पर अभी तक जीरो मेंटेनेंस है, अभी तक कोई ऐसा फॉल्ट सामने आया ही नहीं कि हमको ये चेंज करना पड़े या दूसरी चीज भेजनी पड़े, वो होता ही नहीं है कभी भी। तो सर जो सबसे बड़ी चीज आती है कि किसान के जेब पे सबसे भारी बोझ पड़ता है, इसका दंड कितना है, इसका प्राइस कितना है, आप हमें ये बताएं। ये आपको 18,000 प्लस मोटर की पड़ेगी, 2 HP की क्रोमटन की मोटर आएगी इसमें। और इसके अलावा सर ये आगे हम ये मॉडल देख पा रहे हैं, इसका कितना प्राइस? ये 16,800 की मशीन है जी, विदाउट मोटर की, विदाउट मोटर। और अगर आप मोटर लेना चाहते हैं तो उसका भी आपको चार्जेस देना पड़ेगा, चार्जेस अलग से लगेगा। कितना चार्ज है सर मशीन का? वो तकरीबन 8,000 चार्जेस लगता है उसका, यानी कि वो रहता है, ठीक है। और आगे सर इस मशीन का कितना? इस मशीन से जिससे आप काफी काम कर सकते हैं, ये मल्टीपर्पज मशीन है, 3-in-1 मशीन बोलते हैं इसको जी जी। इसको विदाउट मोटर आप 22,000 में इंक्लूडिंग GST प्राइस है इसका, 22,000 इसका प्राइस जी। और सर जो आपकी ये बड़े मॉडल है इनका प्राइस कितना है? ये आपको विदाउट मोटर 28,000 में पड़ेगी इंक्लूडिंग GST जी, बरोबर 12% GST रहता है इस पे जी जी, वो इंक्लूडेड है प्राइस जो बता रहा हूँ मैं जी जी जी। और ये सर? ये आपको पड़ेगी 31,500 में, क्योंकि इसमें डीजल इंजन का अटैचमेंट पीछे से अलग करना पड़ता है जी जी, इसीलिए ये उसका बढ़ जाता है जी जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस पे कुछ सब्सिडी भी देती है? पूरे इंडिया में तो हमारी सब्सिडी अवेलेबल नहीं है जी, पर इंडिया के कुछ गुजरात है, महाराष्ट्र है और दूसरे कई स्टेट में इस पे अभी सब्सिडी अवेलेबल है। कितने परसेंट सब्सिडी? 40% से लेकर 70% तक इसमें वो सरकार के कोटा वाइज अलग अलग सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट। 40 से 70% सब्सिडी भी इसमें मिलती है? इस पे सब्सिडी भी मिलती है। आप अपने राज्य के डिपार्टमेंट से पता करें कि आप आपके राज्य में भी इसके ऊपर सब्सिडी हो, आपकी फर्म अप्रूवल है सब्सिडी? हाँ, सब्सिडी अप्रूव्ड है। किसान वीर अपने हिसाब से अपने स्टेट में पता कर सकता है। तो सर आपका सबसे ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट कौन सा है इनमें से? ये आजकल सबसे ज्यादा चलने वाली प्रोडक्ट है। एक तो ये सस्ता है और एक इसमें काफी काम हो जाते हैं, मल्टीपर्पज है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी मशीनों को खरीदने का प्रोसेस क्या है, कैसे इसको किसान अपने घर बैठे मंगवा सकता है? कोई भी किसान हो वो एक तो हमारी कंपनी की वेबसाइट है जी, www.jaybhavaniindustries.com जी, उस पे जाके पूरी डिटेल उसको मिल जाएगी जी, बरोबर है।
और एक तो कोई कस्टमर केयर नंबर भी है आपके? हाँ, कस्टमर केयर नंबर भी है, वो भी बताता हूँ मैं आपको। 9409 जी 151515 जी, और दूसरा नंबर है 9824 6456 जी। ये दोनों नंबर पे सुबह से 7 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक। दोस्तों, उम्मीद है आपको एक शानदार वीडियो देखने को मिली होगी। अपने कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं कि आपको मशीनें कैसी लगी हैं आपको नई प्रकार की टेक्नोलॉजी। अगर वीडियो तो काफ़ी शानदार थी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि किसी किसान भाई का भला हो जाए, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में कहीं और जगह से। धन्यवाद।